Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. This is me guys Sri Sanu and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है बीटेक स्टैंड अप कॉमेडी बाय हर्ष, ठीक है। और इसकी वीडियो की रिक्वेस्ट ना मुझे काफी टाइम से आ रही थी और काफी टाइम से स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बनाई, बम गोले लड़ाई झगड़े के ऊपर वीडियो बन रही थी, उसके अंदर जो है ना वो माइंड थोड़ा सा ना आपका अपसेट हो जाता, फिर उसके अंदर जो है वो सजेशन जब किसी कॉमेडी वीडियो की आती है तो मैं फटाफट उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा ना माइंड मेरा भी फ्रेश हो जाएगा, आपका भी फ्रेश हो जाएगा, हंसी मजाक लाइफ के अंदर चलना चाहिए। गाइज फटाफट से वीडियो करते स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर दीजिएगा। और आप लोगों को किसी भी और वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। कोई ऐसी लड़की है जो ये कहती है मैं अब इंडिया के लड़कों को डेट नहीं करना चाहती? हां दिस गर्ल राइट हियर। ओके, आपका नाम क्या मैम? मुस्कान। क्यों छीन लिया आपकी किसी ने? क्या करती है मुस्कान? सॉरी फ्लाइट अटेंडेंट। ओके, कौन सी एयरलाइन में हो? है एयर इंडिया। कलकत्ता जाना होता है लाहौर लैंड कर देते। कुछ बताना चाहती हो आप एयर इंडिया लड़के क्यों पसंद नहीं है? एनी रीजन, कुछ भी। सॉरी फॉरनर्स आर बेटर लुकिंग। आपने कभी फ्रंट कैमरा खोला है? अब बिल्कुल यार, इंडियन लड़के भी हैंडसम हैं। इंडिया के मर्दों की बेइज्जती नहीं चाहूंगा मैं। मैं एक इंजीनियर हूं और इसमें क्या हंसने की बात है? हाँ वाकई। मैं एक इंजीनियर को ताली बजाती। कितना है, कोई है यहाँ पे इंजीनियर बीटेक है? इतने से रूम में आधे भरे पड़े हैं देखो। इंडिया में इतना इंजीनियर पता क्यों है? 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास इंडिया में एक बीटेक की नदी बह रही थी। तो माँ बाप पता करते अपनी आंखें बंद करते थे, अपना बच्चा उठाते थे और यूं करते थे। उसके बाद बच्चा तैर रहा है, डूब रहा है, नदी में मर रहा है, मछलियों के साथ संभोग कर रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है, बड़ा संभोग जो होता है ना अभी जो तो। हाँ मुझे भी नहीं संभोग का मतलब। पुराने लोग बोलते थे जेंजी के लिए रोमांस होता है। मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? बीटेक कर लो। मैंने क्यों कह रहे माहौल चल रहा है बीटेक का? मैंने माहौल तो चोरी चकारी का भी है पापा। डकैती डाल दे, कह रहे बेटा बीटेक करोगे दो वक्त की रोटी कमाओगे। और बाय गॉड मेरे बाप ने सच बोला था, जितने लोगों ने बीटेक करी है ना ये दो ही वक्त की रोटी कमा रहे हैं। तीसरे वक्त का कोई पता इनके पास अपनी सब्जी भी नहीं है, इनको सब्जी के लिए तीसरे वक्त में जाना पड़ रहा है। वहां राजकुंद्रा बैठा हुआ है, हमारी पिक्चरों में काम करोगे? इंजीनियर्स वहां भी रिजेक्ट हो रहे हैं। प्यार और पैसा दोनों नहीं है इंजीनियर्स की जिंदगी में। मैंने सुना है कोई कहता है कि अगर आप इंडिया में भीड़ में पत्थर मारो इंजीनियर्स को लगता है ज्यादा है। भाई जब से मैंने बीटेक करी 15-20 पत्थर खा चुका। आप में से कौन कौन इंजीनियर है मुझे ये जरा बताना, बीटेक किसने किया होगा? ये कौन है जो मार के चेक कर रहे? मुहावरे कॉन्टेस्ट करते फट के चार हो जाना हो थोड़ी जाती। मैंने तो कभी नहीं महसूस करी। कोई लड़की आईटी में जॉब करती है? एनी गर्ल इज वर्किंग फॉर एन आईटी कंपनी। किस कंपनी में मैम? है कोई लड़की अच्छी आईटी कंपनी में काम करती है? टीसीएस। देख रहे हो भाई कितने स्टाइल में बता रही, कुछ नहीं है 3.2 लाख पर एनम। और 3.5 लाख में लड़कियां कैब से ऐसे उतरती हूँ करके भाई से। ये लौंडो का 2-2 लाख रुपए दिन का पैकेज होता है। जब तक चिंगारी निकलाती ना अमेजोन जंगल से। सही में मेरे साथ एक लड़की जॉब करती थी, 18,000 रुपए सैलरी थी। जब फोन करो बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ, सैलून में ये कर रही हूँ, मॉल में शॉपिंग कर रही हूँ। मेरी 50,000 सैलरी थी। काम वाली से उधार लिया मैंने। ओ, उसका नाम लक्ष्मी था, मुझे लगा इस पे तो होगी।
इंडिया में अगर आप IIT से बीटेक करो 30 लाख का पैकेज लगता है, आप AIEEE से करो 15 लाख, आप UPTU से करो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जहां से मैंने करी, आप जिस कॉलेज से कर रहे होते उसी में सिक्योरिटी गार्ड लगते। मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट कैंपस में ही हो गया था, जो फोटोकॉपी वाले भैया नहीं होते कैंपस में, उसने जॉब ऑफर करी मेरे को। मैंने कहा काम क्या करना, कह रहा थूक लगा के पन्ने गिनने पूरा दिन, थूक खत्म। कोई पूछता था आपकी जॉब प्रोफाइल क्या, नया बच्चा आके, मैं कहता ये कैसा बड़ा बच्चा है। मैं आज आपको एक साफ साफ बात बता दूं, मेरी AIEEE में 85 से ज्यादा रैंक थी। और मुझे सच में लग रहा था रैंक अच्छी है। कंप्यूटर में मेरे नाम क्या रैंक लिखी, वापसी में साइबर कैफे से गाने गाता आ रहा हूँ कि बहती आवाज़ था वो, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। रस्ते मेरे दोस्त का फोन है, हर्ष AIEEE का रिजल्ट आ गया। मैंने भूत नहीं किया, 4 लाख रैंक है तेरे भाई की। कह रहा आराम खोर, 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। मैंने आखिरी बच्चे से 50,000 दूर था मैं, इतना गंदा पेपर करके आया। 240 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक भी ए नहीं था उसमें से। जॉब लग जाएगी, कुछ पैकेज मिल जाएगा। कह रहा बिल्कुल लग जाएगी भाई, TCS करके एक कंपनी है 3.2 लाख पर। ओहो बड़ा मजा आता था भाई। मेरे बाप रोज पूछते थे, हर्ष तुम्हारी रैंक कहाँ रहेगी। मैंने कहा आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। उनको समझ में आ गया था इसने कुछ नहीं किया, उन्होंने मैनेजमेंट कोटे पे मेरा एडमिशन कराया। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, मैनेजमेंट कोटा जो लड़के मेहनत करते हैं रैंक लाते हैं, खुद एडमिशन लेते हैं। मैनेजमेंट कोटे वाले जो होते हैं उनके बाप मेहनत करते हैं। पैसे देके एडमिशन कराया, आप बताओ। मेरी फीस 1 लाख थी, डोनेशन 4 लाख। बाकी बच्चों ने एजुकेशन लोन लिया, हमने एडमिशन लोन लिया। और हॉस्टल जाके पता लगा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच शराब है। हॉस्टल के लड़के सुबह 4 बजे उठ के रॉयल स्टैक से कुल्ले करते। इनसे बोलो ब्रश करना, कमोड वाला उठा लाते। सही में भाई नशे में होते। मैंने कहा ये क्या कह रहा भाई, सारे भाई मिलके करेंगे। रुक मैं पेस्ट लेके आता हूँ। मैंने कहा तू नहीं जाएगा पेस्ट लेने। हमने तुझे ब्रश बोल के गलती कर दी। हम दातुन कर लेंगे, मुंगली कर लेंगे, कुछ भी करेंगे। सबसे बड़ा सच शराब है भाई। मेरे बाप के साथ तो घटने कर गए, इतने इमोशनल हो गए। मेरे बाप 4 साल के लिए बेटा जा रहा, मेरा बैग पैक कर रहे थे, उसमें पार्ले जी रखा, सरसों का तेल, बिस्किट, नमकीन सब रखा, कंगी रखा। हॉस्टल पे पहुंचे, ऑटो से हम उतरे, ठंड का टाइम था, हम पे उसने 20 रुपए मांगे, हम पे टूटे नहीं थे। हम लोग अंदर घुसे हॉस्टल की सीढ़ियों पर, दो लड़के नशे में, दुत सीनियर्स, हमें अभी पता है उनका नाम, उनका एक राठी सर थे एक भाटी सर थे, होते हैं दिल्ली NCR के हर कॉलेज में। अंदर के पापा कह रहे तेरे गुरु इनसे पैसे मांग ले, कल वापस कर दियो। गुरु नशे में थे। मैं चला गया, मैंने कहा सर 20 रुपए दे दो कल ले लेना। कह रहे 40 लो अभी दो। जब थे ही नहीं तो कल ही दे रहा हूँ। मैंने कहा पापा आप तो पीछे हो जाओ, ये लड़ाई अब मेरी है। कह रहे मैं नहीं लड़ने दूंगा। मैंने कहा गुरु हैं। कह रहे गुरुदक्षिणा बहुत अलग मांग रहे हैं, इधर आओ सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए लाए। वो इतना पीते थे उनको अर्थ को एक तो नहीं पता लगते थे। एक दिन अर्थ को एक आया, मैं भाग रहा था, मैंने गेट खोला, दोनों बंड बैठे हो। मैंने कहा सर नीचे चलो। कह रहे क्या हो गया। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ सर नीचे चलो। कह रहा हुआ क्या। मैंने कहा अर्थ को एक आया। कह रहा ऊपर ही बुला ले भाई। और आ रहा है तो उससे कहीं 100 वाइपर का हाफ लेता है। अर्थ को एक 2 सेकंड के लिए रुक गया कि मुझे काम दे दिया किसी ने भाई। अब मैं ठेके पे रुकू, पहले ठेका गिराने आया हूँ मैं, शॉपिंग करूँ वहां पे। मेरा एडमिशन इन्होंने गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में कॉलेज था मेरा। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी गोलियां नहीं चलती जितनी वहां चलती थी। इतनी लड़ाइयां होती थी, रोज पुलिस आती थी हमारे यहाँ, रोज पुलिस आती थी। आप सोचो, मुझे लगने लगा था पुलिस भी हमारे कॉलेज से बीटेक कर रही है। एक दिन मैं हॉस्टल से बाहर निकला, 14 पुलिस वाले, एक लेडी पुलिस। मैंने कहा हाँ मैकेनिकल ब्रांच। मुझे तो समझ नहीं आता ये हॉस्टल के लड़के वहां पे इंजीनियर बन गए कि नशेड़ी बन गए। कुछ भी आप दे लो, किसी भी चीज की चीज पूछ लो। आप बोलो मुझे ठंड लग रही, बोलेंगे विस्की पी लो, रम पी लो। आप बोलो स्टोन हो गया, बियर पियो। कौन से डॉक्टर हैं ये, बीटेक MBBS।
मेरे एक बार स्टोन हुआ यहाँ पे, मेरे दर्द हुई, मैं डॉक्टर पास क्या कह रहा है, उसने गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, निकल जाएगा, 2 महीने की दवाई दे। मैं हॉस्टल आया, लड़का कह रहा कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, दवाई फेंकी डस्टबिन में, डस्टबिन से बियर निकाली। मैंने कहा करेंगे कैसा, करें जितनी ज्यादा पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तुम्हारा स्टोन सूख करके निकल जाएगा। मैंने कहा ये सूख कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैंने कहा डॉक्टर ने 2 महीने की गारंटी दी, कह रहे हम 15 दिन की दे रहे। भाई मैंने उसके बाद 15 दिन इतनी बियर पी ना भाई साहब, मैं छोड़ो पूरा हॉस्टल पी रहा, किसी भी लड़के से बोलो इतनी बियर के पी रहे, वो हर्ष को स्टोन हो गया। भाई को अकेले दवाई पीने देंगे तुम बताओ? एक लड़का पता क्या कह रहा, उसने बॉर्डन वाला इतनी बियर के पी रहा, कह रहा सर स्टोन का नहीं पता, हर्ष का यहाँ से निकल जाए तो। बॉर्डन कह रहा हाँ ब्लूटूथ स्टोन है ना भाई, तेरा वाला वहां से निकल जाए। भाई 15 दिन में सुसु कर रहा था, मुझे कट करके कुछ गिरने की आवाज है, मैं खुश हो गया, मैं डॉक्टर पास, मैं डॉक्टर साहब लड़के कहते जितनी बियर पियोगे उतना प्रेशर बनेगा, तेरा स्टोन एक दिन जुप करके निकल जाएगा, मुझे कल रात को कुछ गिरने की आवाज आई है, प्लीज अल्ट्रासाउंड करो। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया, स्क्रीन में देख रहा था, डॉक्टर साहब स्टोन बह गया, कह रहा भूतनी के गॉल ब्लैडर बह गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कह रहे जुप करके हो गया। मैंने कहा पेट में क्या दिखाई दे रहा? कह रहा कीचड़। बहुत शराब पीते थे हमारे हॉस्टल में, वार्डन ने पौधे लगवाए थे कि लौंडों को ऑक्सीजन मिलेगी, लौंडों ने मूत मूत के उन पौधों की भी रोक दी। उन पौधों के लिए फिर अलग से पौधे लगवाए। हाँ उसमें संतरा निकला, वार्डन हमारे कमरे वाले को संतरा खा रहा है, वो मुझसे कह रहा है ये वाला बहुत मीठा है, ये कहाँ से आया? मैंने अपने बगीचे के अंदर। एक दो और मिल जाएंगे, मैंने कहा 2 दिन दो भाभी के लिए पैक करा के दूंगा आपको, अपनी खाद अपनी खेती। एक बार हमारे हॉस्टल में छापा पड़ा था, इतनी बोतलें इकट्ठी होगी थी कि वो बेच के हमारी मैनेजमेंट ने सामने गर्ल्स हॉस्टल बनवाना चालू किया। और लड़के एक्साइटेड, सामने स्वर्ग बन रहा है, मैं इतना खुश, अपने लेक्चर बंकर के मजदूरों के साथ लग जाता था कि जल्दी करो तुम्हारी भाभी ने रहना है। मजदूर पूछते थे भाभी इस समय क्या कर रही है? मैं कहता इस समय तो वो एयर इंडिया में जॉब कर रही है। तुम्हें सामने गर्ल्स हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के लिए वैकेंसी निकली, बॉयज हॉस्टल के लौंडे अप्लाई करा। मैंने भरा वो फॉर्म, मिस हर्ष गुजराल, डॉटर ऑफ बबली लाल गुजराल। बाप को फीमेल कर दिया, बाबूलाल नाम है उनके। ऐसे गंदे गंदे फॉर्म मेरे हाथ में, लौंडे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसमें एक लड़के ने भरा हुआ तो उसमें लिखा था कि गर्ल्स हॉस्टल में लाइट चली जाती, पहली चीज क्या करोगे? इंजॉय लिखा हुआ है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग जाती है कि लड़कियों को कहां से लेके भागे? उसमें दिल के रास्ते से। कौन है ये देश का भविष्य? एक तो सामने गर्ल्स हॉस्टल बन जाने, लड़कों में अचानक से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था कि हम सेफ्टी करेंगे इनकी, जबरदस्ती यहाँ से बालकनी चिल्ला रहा कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो, कोई है भी नहीं वहां पे। लड़कियां एक्चुअली में रहती हैं हॉस्टल में, लौंडे बस जिंदा होते। सही बता रहा हूँ भाई, वहां पे बर्थडे मनता था, मैंने पहली बार देखा ऐसे बर्थडे मनता, लड़कियां ऐसे ऐसे परियां उड़ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, वार्डन उड़ती हुई जा रही है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ है बर्थडे, माय बेबी गर्ल। भाई लड़कियों के हॉस्टल में जब बहन जो बर्थडे होता था ना, कि बहुत मारते हैं, मौत होती थी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, 7-8 जन्म का कट्ठे बेल देते थे। मेरा बर्थडे था, वो हराटी और बाटी सर ने केक पे रेस्ट इन पीस गुजराल लिखा हुआ था। मुझे लगा मुझे फिर से गुरु जी का प्यार मिलेगा। भाई उन्होंने मुझे उठा के जो मेरे पिछवाड़े में मारना चालू किया, भाई मेरी यहाँ हड्डी तोड़ दी, हड्डी होती भी नहीं। आपने हड्डी सुना है? मैंने महसूस किया। एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ, मैंने कहा फट के 4 हो गई है। कह रहा सिकाई करो, मैंने कहा कब तक करा, अगले बर्थडे तक। लड़के बहुत पागल होते हैं यार हॉस्टल में। मैंने कई चीजें देख ली, अगर आपने वकालत पढ़ी ना आप वकील बनोगे, आपने डॉक्टरी पढ़ी आप डॉक्टर बनोगे, एक लौटे इंजीनियर होते हैं जो पे पेंदी के लोटे होते हैं। ये 4 लड़के रात को चाय सुट्टी और मैगी के लिए निकलते हैं ना, जब मैगी वाले को देख के जलस हो रहे होते कि भाई इसने 12 पैकेट मैगी बेच दी, हम इसके बगल में छोले कुलचे लगा ले। मैगी वाला और मार ले ताकि भैया मुंह मीठा करो, ऑडी खरीदी मैगी वाले ने। मैगी वाले ने ऑडी खरीदी। इनके पिताजी जो इंजीनियर है वो सोचते हैं कि मेरा बेटा माइक्रोसॉफ्ट में लगेगा, गूगल में लगेगा, टीसीएस में लगेगा या जहां भी लगेगा। और ये लड़के वहां बीड़ी पी रहे सिक्योरिटी गार्ड के साथ, वहां शायरिया कर रहे कि सफलता की सीढ़ी 502 पटाखा बीड़ी। किसी ने मुझे बोला हॉस्टल में कि तुम बाइक खरीद लो, लड़कियां तुम्हारे पीछे आएंगी। भाई मैंने पैशन खरीदी,
लड़कियों का लात तक नहीं बैठा, लौंडों का जो गा बैठा है उस पर। एक पैशन पे पांच पांच लौंडे बैठे। कहां जा रहे? मथुरा जा रहे पेड़े खाने जबरदस्ती। आगरा जा रहे हैं चाचा का चाय पीने। चाचा की चाय बहुत अच्छी है, चाचा अपने दूसरे चाय बना रहे। पांच लड़के एक पैशन पे पेट्रोल पंप पे बच्चों दिखा रहे, भैया बहुत सारा पेट्रोल डाल दो 25 रुपए का। बहुत सारा पेट्रोल 25 रुपए का, वो थूक के चला गया, कह रहा इतना ही आता है। एक दिन डीजल डलवाला है कोई लौंडा मेरी बाइक में। मैंने कहा ये क्या किया? कह रहा सस्ता पड़ रहा था। इंजन की माँ बहन हो गई। एक दिन हम पांच लड़के बाइक पे जा रहे थे, पुलिस ने रोक लिया हमको। कह रही कौन हो तुम लोग? मैंने कहा हम देश का भविष्य है। कहती तुम्हारा ट्रिपलिंग का चलान होगा। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, हम पांच बैठे हुए हैं, उनने हमारी कटोरियां तोड़ दी है वाली बेंच। देश का भविष्य यूं आया है। तुम लोग को इंजीनियर्स के बारे में एक फैक्ट नहीं पता जो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मन था कि मैं कॉलेज इसलिए जाऊंगा कि मुझे डिग्री चाहिए। मैंने करण जौहर की पिक्चर देखी, मेरे को लगता है मैं डिग्री उछालूंगा करण जौहर की पिक्चरों की तरह। मेरा एडमिशन गाजियाबाद में हुआ। मुझे क्या पता हम गैंग्स ऑफ वासेपुर में जा रहे हैं। वो लोग यू निकाले, मुझे हम लोग ने यू निकाला बेंच कि निकल जाओ। मैंने कहा नौकरी कह रहे .com। मैंने कहा क्या बोल रहा भाई ये? आते से ज्यादा इंजीनियर्स ने इंडिया में जो है अपनी डिग्री नहीं लिए कॉलेज से। मैंने खुद पिछले साल तक नहीं ली थी। उनका फोन आया आपकी डिग्री रखी हुई है, उसने एक और बीटेक कर ली पड़े पड़े। मेरे को कहते ले जाओ, मैं नॉस्टैल्जिक हो गया। मैंने कहा जाता हूँ, मैं अपने हॉस्टल में घूमा, अपनी डिग्री ली, जहाँ कॉलेज के हॉस्टल में वो राठी और भाटी सर बैठते थे वहीं बैठा हुआ था, वैसे वहीं चाय पी रहा था। एक लौंडा अपने बाप के साथ आया, कह रहा सर 20 रुपए दे दो कल ले लेना। मैंने कहा 40 लो अभी दो। बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही कमाल की, बहुत ही मजेदार किस्म की स्टैंड अप कॉमेडी थी जो आज हम लोगों ने देखी। बीटेक काफी ज्यादा लोग जो हैं, जिन लोगों ने बीटेक किया होता है उनको बाद में वाकई नौकरी मिलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज एक दफा अगर कोई भी शो पाया ठीक है, उसके अंदर कामयाबी मिल जाती तो फिर लोग मजीद वही चीजें जो है वो ज्यादा करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अब बीटेक लोगों को पता है कि इसके अंदर ज्यादा जॉब्स होती है तो ज्यादा लोग बीटेक करते हैं, और फिर कॉम्पिटिशन जो है वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोगों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल पाती। तो बीटेक की कॉमेडी काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी मजे की थी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ एंड स्टिल दे डोंट फाइंड द जॉब? जिन लोगों को अभी तक जो है वो बीटेक करने के बाद भी जो है वो जॉब नहीं मिली, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। जितने लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। तो चलो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।